दोस्तों मुझे पता है जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो उसमें से मैक्सिमम लोग आप लोग शॉर्ट्स क्रिएटर होगे यानी शॉर्ट्स वीडियो बनाते होगे और मैक्सिमम लोग नए शॉर्ट्स क्रिएटर होगे यानी अभी आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ होगा, बस काम करते जा रहे हो लेकिन ग्रो अभी तक नहीं हुए हो। अब एक शॉर्ट्स क्रिएटर जब शॉर्ट्स चैनल बनाता है, बनाने के बाद जब शॉर्ट्स वीडियो डालना स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में एक बात यह घूमने लगती है कि यार मैंने चैनल तो बना लिया, मैं शॉर्ट्स वीडियो डालना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन डेली कितना शॉर्ट्स वीडियो मुझे डालना चाहिए जिससे मेरा शॉर्ट्स का चैनल जल्दी से ग्रो हो, मेरा शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल जाए। और यह चीज हर एक शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर यह बात नहीं जानोगे तो मन मुताबिक जितना शॉर्ट्स बनाओगे डाल दोगे, भैया दो बना दिया, चार बना दिया, चार डाल दूंगा, एक बना दिया तो एक डाल दूंगा, मन मुताबिक शॉर्ट्स डालते रह जाओगे लेकिन कभी भी चैनल आपका ग्रो नहीं होगा। क्योंकि आज मैं आपको वो टेक्निकल चीज बताने वाला हूं, वो परफेक्ट नंबर बताने वाला हूं कि इतना शॉर्ट्स डालो फिर देखना कमाल कि आपका शॉर्ट्स चैनल कैसे ग्रो होता है, आपका शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा से ज्यादा कैसे वायरल जाता है। और वो चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, मुझबानी कोई कहानी नहीं, एक्सपीरियंस से बताऊंगा। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। इसके अलावा मेरे पास कई सारे शॉर्ट्स के चैनल है जिसमें मिलियंस में सब्सक्राइबर है, तो वो चैनल मैंने जो ग्रो किए हैं उस एक्सपीरियंस से मैं आपको आज बताने वाला हूं कि भाई क्या टेक्निकल चीजें हैं जो मैटर करती हैं, क्या वो परफेक्ट नंबर है जिस नंबर पर अगर आप उतना शॉर्ट्स वीडियो डालते हो तो आपका शॉर्ट्स चैनल तुरंत ग्रो होगा, यानी जल्दी से जल्दी ग्रो होगा और आपका शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल जाएगा। अब मैं आपको जो टेक्निकल चीज बताऊंगा गारंटी देता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग बोलोगे सर इतनी बड़ी बात आज तक हमको पता नहीं थी, मन मुताबिक बना बनाकर डालते गए वीडियो और ना कोई क्रिएटर हमको वीडियो बनाकर यह चीज बताया। जो चीज आज आप सीखोगे टेक्निकल चीजें बताऊंगा जो एक्सपीरियंस से सीखा हूं, जो टेक्निकल माइंड से सीखा हूं, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो वो टेक्निकल दिमाग है कि यार क्या क्या चीजें मैटर करती है, कैसे कैसे चीजें काम करती है, तो वो टेक्निकल चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज गुजारिश कर रहा हूं कि वीडियो में अगर आपको इंटरेस्ट है तो भाई वीडियो पूरा देखिएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वीडियो अभी छोड़कर चले जाओ, कोई कॉमेडी देखना है, कोई मूवी देखना है, कोई वेब सीरीज देखना है तो जाकर देख लो, फर्स्ट क्लास अपना टाइम बर्बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम है आप जाकर बर्बाद करो, लेकिन बाद में यह मत रोना कि यार जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाया। और अगर आप सीरियस हो कि मुझे यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब पर काम करना है, जल्दी ग्रो होना है, तो आपके लिए सबसे काम की वीडियो है। जब वीडियो देखोगे तो खुद आपको यह अनुभव हो जाएगा, अंदर से यह लगेगा कि यार एक परफेक्ट चीज देखा, एक परफेक्ट चीज सीखा हूं, परफेक्ट नॉलेज लिया हूं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि कितना शॉर्ट्स वीडियो आपको डेली अपलोड करना चाहिए जिससे आपका शॉर्ट्स वीडियो वायरल जाए। जैसे मिलियंस में आपको व्यूज दिख रहा है ना, ये किसी और का नहीं, मेरे ही जो शॉर्ट्स का चैनल है उसमें ही एक वीडियो का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, 46.6 मिलियन व्यूज, ऐसे ही मिलियंस में व्यूज आने लगे। अब देखिए यह चीज मैं आपको सिखाने के लिए सबसे पहले एक नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूं, बहुत कमाल की चीज सिखाऊंगा। आज का वीडियो देखने के बाद आपको यह लगेगा कि यार कुछ सीखा हूं और दमदार चीज सीखा हूं। अब देखिए डेली कितना शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करना चाहिए आपको, इस चीज का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको दो चीज कैटेगरी बताता हूं। मतलब कि दो लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग अलग नंबर होता है, कौन से दो लोग होते हैं मैं बताता हूं। देखिए अब पहला तो एक चैनल ऐसा होता है जो बिल्कुल नए यूट्यूबर होते हैं, यानी कि बिल्कुल क्या होते हैं वो न्यू यूट्यूबर होते हैं। ये मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं, जैसे बिल्कुल क्या होते हैं वो न्यू यूट्यूबर होते हैं। अब मुझे पता है कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो उसमें से 90% नए यूट्यूबर होंगे, यानी कोई ना चैनल आपका ग्रो हुआ होगा ना भी यूट्यूब से पैसे कमा रहे होंगे। और दूसरी जो कैटेगरी है, दो कैटेगरी की मैं बात करूंगा, भाई ध्यान से समझना चीजें, मैं आपको सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। अब दूसरी जो कैटेगरी है जिनके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि भाई जिन्होंने पहले भी चैनल ग्रो किया हुआ है उनके लिए। अब मुझे पता है कि भाई 90% लोग नए यूट्यूबर हो तो पहले इनको बताऊंगा, फिर जो 10% लोग बच रहे हो कि भैया मैंने चैनल पहले से ग्रो किया हुआ है मुझे इस चीजें पता है, अब उनको मैं दूसरे पॉइंट में बाद में बताऊंगा। तो ये दो कैटेगरी है। अब पहली कैटेगरी की मैं बात करता हूं, पहली कैटेगरी कौन है, जो बिल्कुल नया यूट्यूबर है। अब इनको कितना शॉर्ट्स वीडियो डेली डालना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए नए यूट्यूबर जो है, उस नए यूट्यूबर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना उसको एडिटिंग आती है, ना उसको वॉइस ओवर करना आता है। मान लीजिए कोई शॉर्ट्स का चैनल बनाया हो, चेहरा नहीं दिखा रहे हो, पीछे से वॉइस ओवर डाल रहे हो,
तो ना आपको वॉइस ओवर आता है, ना आपको यह समझ में है कि यार वीडियो क्या बनाना चाहिए, क्या कंटेंट बनाना चाहिए। मान चलिए आपका फैक्ट का ही चैनल है, मैं एग्जांपल में लेता हूं, कोई भी चैनल है लेकिन मैं एग्जांपल में फैक्ट का लेता हूं। अब मान चलिए आपका फैक्ट का चैनल है, तो आपको यह भी नहीं पता कि परफेक्ट फैक्ट कहां से मिलता है, आपको यह भी नहीं पता कि यार परफेक्ट वीडियो कहां से मिलेगा, वीडियो फुटेज कहां से मिलेगा, पिक्सल से लूं, पिक्साबे से लूं, कहां से लूं, ना आपको यह पता है एडिटिंग कैसे करना है, ना आपको यह पता है वॉइस कैसे रिकॉर्ड करना है, ना आपको यह पता है वॉइस एडिटिंग कैसे करना है। यानी आप हर एक चीज में जीरो हो, जीरो हो, यानी कि भाई बिल्कुल नए हो तो जीरो ही हो ना। अब एक्सपीरियंस वाला बंदा क्या होता है, उसको सारी चीजें पता होती हैं, उसको सारी चीजें जो है पता होती हैं। मैं सारी यहां पर पता लिख देता हूं, यानी सारी चीजें उसको पता होती हैं। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं उस पहली कैटेगरी के बारे में, जो कि आप हो, 90% लोग हो जो नए यूट्यूबर हो। अब आपको कितना शॉर्ट्स अपलोड करना चाहिए और क्यों अपलोड करना चाहिए, उसके पीछे का पूरा लॉजिक बताऊंगा, टेक्निकल चीज बताऊंगा। अब कोई भी आपका चैनल हो, कोई भी चैनल आपका हो, मिनिमम 2 शॉर्ट्स, ध्यान से समझिएगा, मिनिमम डेली 2 शॉर्ट्स, डेली की बात कर रहा हूं, मिनिमम डेली 2 शॉर्ट्स, और मैक्सिमम अगर आपके पास टाइम है तो भाई मैक्स की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम अगर आपके पास टाइम है तो 4 शॉर्ट्स आपको अपलोड करनी चाहिए। अब यह चीज बोल क्यों रहा हूं ध्यान से समझना, कोई कहानी नहीं, कोई मुझबानी बात नहीं। अब भाई आप हर एक चीज में जीरो हो, वीडियो बनाकर डालोगे तो बनाकर जब डालोगे तो वीडियो खराब होगा, जाहिर सी बात है। मैं भी जब पहला वीडियो बनाया था अपने शॉर्ट चैनल पर, बिल्कुल बेकार था। जब ये चीज अनुभव भी नहीं होता है, जब बनाओगे ना तो आपको लगेगा बहुत अच्छा वीडियो बना है, लेकिन 6 महीने बाद वही वीडियो जब उठाकर देखोगे ये होगा भैया कैसे बोल रहा था, कैसे वीडियो बनाऊं, कहां से ये वायरल जाएगा। अब आप वीडियो बनाओगे डालोगे, बेकार वीडियो रहेगा तो जाहिर सी बात है वो वीडियो वायरल जाएगा नहीं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एडिटिंग हो, चाहे वॉइस ओवर करना हो, चाहे कंटेंट खोजना हो, हर एक चीज में जो आप परफेक्ट बनते हो वो प्रैक्टिस से बनते हो, यानी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। अब वो प्रैक्टिस होगा कैसे, जब नंबर ऑफ वीडियो आप ज्यादा डालोगे तभी आपका प्रैक्टिस होगा। अब मान के चलिए आप डेली 2 से, मतलब मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 है, आप मान चलिए आप 3 वीडियो डेली डालते हो, यहां पर मैं लेता हूं, आप मान चलिए 3 वीडियो डेली डालते हो, तो भाई 50 वीडियो आपका खराब होगा। मान चलिए आप 50 वीडियो बनाओगे, 50 खराब होगा, लेकिन जो 51 नंबर वाला बनाओगे वो भाई प्रैक्टिस करते करते 50 वीडियो में परफेक्ट हो जाएगा। तो 51 वीडियो आपका परफेक्ट बनेगा उन 50 वीडियो के मुकाबले। अब आप डेली एक डालोगे तो आप बताओ 50 दिन में आपका खराब वीडियो बना 91 दिन, मतलब 91 दिन आपका अच्छा बना। अब आप डेली 3 डालोगे तो भाई साहब 16 से 17 दिन में ही 50 वीडियो डालोगे, 18वें दिन जो वीडियो बनाओगे यानी 91 नंबर जो वीडियो बनाओगे वो आपका तगड़ा वीडियो बनेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत टेक्निकल चीज बताने वाला हूं, जब आप शॉर्ट्स वीडियो बनाए, मान चलिए आपका शॉर्ट्स वीडियो अच्छा बनने लगा, बनाने के बाद जब आपका शॉर्ट्स वीडियो वायरल जाता है, जैसे आपका शॉर्ट्स वीडियो कोई वायरल चला गया, 1 मिलियन व्यूज चले गए, ठीक, 1 मिलियन। अब ध्यान से समझना, अब ये जो 1 मिलियन व्यूज है ये ऐसा है नहीं कि भाई 10 मिनट में चले गए, ये 1 मिलियन व्यूज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो वीडियो वायरल जाएगा उस पर धीरे धीरे करके ऐसे आते रहेंगे और ये मिलियंस में व्यूज बढ़ता जाएगा। और जितने दिन ये व्यूज आएगा, यानी जितने दिन एक वीडियो वायरल जाता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उस टाइम में जो भी शॉर्ट्स वीडियो डालोगे आप, जो भी शॉर्ट्स वीडियो डालोगे उस शॉर्ट्स वीडियो पर, अगर मान चलिए पहले आपके 2000-3000 व्यूज आते थे, तो जब एक वीडियो वायरल जा रहा है उस टाइम जो शॉर्ट्स वीडियो डालोगे आप खुद देखोगे कि मान चलिए इस पर अगर 1 मिलियन व्यूज आया है तो जो दूसरा आप शॉर्ट्स डालोगे उस टाइम पर जब वो वायरल जा रहा है तो आपको आराम से 50,000, 1 लाख व्यूज मिल जाते हैं। ये चीज आपने नोटिस की होगी, जो एक्सपीरियंस वाले होंगे उनको पता होगा, हाँ सर सही बता रहे हो, तो 50,000, 1 लाख व्यूज मिल जाता है। अब मान के चलिए आप नए यूट्यूबर हो, आपकी एडिटिंग अभी सही नहीं हुई है, उतनी अच्छी नहीं हुई है, यानी अच्छी हुई है तभी तो एक वीडियो वायरल जा रहा है, उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो आपने मान चलिए दिन में एक वीडियो डाल रहे हो, अब एक डाले पता चला वो सही नहीं बना, 25,000 व्यूज गया, रिटेंशन वगैरह डाउन है, वायरल नहीं गया, रुक गया। अब भाई तीसरे दिन डालोगे, चौथे दिन डालोगे, 5 दिन के अंदर 5 वीडियो डालोगे, 5 वीडियो मान चलिए आपका 3 खराब है, 2 अच्छा है, तो 1-2 लाख व्यूज आपको दे दिया। लेकिन अगर आप डेली नए क्रिएटर हो, 2 से 3 वीडियो, 4 वीडियो डेली डाल रहे हो, 2 ही 3 डाल रहे हो, तो भाई आप 5 दिन में 15 वीडियो डालोगे। आप मुझे बताओ कि अगर 5 दिन में 5 वीडियो डाले हो, 5 दिन में 15 वीडियो डाले हो, सबसे ज्यादा वायरल जाने की पॉसिबिलिटी कहां है? 15 वीडियो में है, ना कि 5 वीडियो में। तो इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट है मिनिमम 2 वीडियो डालो, नए क्रिएटर हो,
और यहां पर मैक्सिमम अगर आपके पास टाइम है, भरपूर टाइम है, तो चार वीडियो डालो। दो वीडियो डालो तो एक मॉर्निंग में डाल दो, एक शाम में डाल दो, यानी एक सुबह डालो एक शाम में डाल दो। चार वीडियो डालना है तो एक सुबह डाल दो, एक दोपहर में डाल दो, एक शाम में डाल दो, एक रात में डाल दो। और तीन वीडियो डालना है तो एक सुबह डालो, एक दोपहर में, यानी समझ सकते हो एक 9 बजे डाल दो, एक 2 बजे दोपहर में डाल दो, एक 4-5 बजे शाम में डाल दो। बस तीन वीडियो डाल दो। ये टाइम रख के आप इतना शॉर्ट्स वीडियो अगर अपलोड करते हो तो आपका शॉर्ट्स चैनल रॉकेट जैसे ग्रो होता है। और यह चीज आपको कोई नहीं बताता है। बोलेंगे भैया बना दो, कम से कम मिनिमम डेली एक ही डालो। भाई एक अगर डालोगे तो आप बताओ जो 18 दिन में आप परफेक्ट हो रहे हो, वो परफेक्ट होने में आपको 50 दिन लगेंगे। और 50 दिन बाद आप मुझे बताओ, 50 दिन काम करने के बाद आपका चैनल ग्रो नहीं होगा तो ज्यादा डिमोटिवेट हो गए, या 18 दिन काम करने के बाद आपका चैनल ग्रो होगा तब ज्यादा डिमोटिवेट हो गए? भाई साहब 50 दिन कोई इंतजार नहीं कर पाएगा, लेकिन 18 दिन कम टाइम होता है तो उतना डिमोटिवेट नहीं हो गए। जल्दी जल्दी जब थोड़ा व्यूज आने लगेंगे तो मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए टाइम निकालो, डेली मिनिमम 3 से 4 वीडियो डालो। 2 वीडियो मिनिमम है, 3 से 4 डालो, परफेक्ट रहेगा। इतना डालोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी चीजें प्रैक्टिस करते करते बेटर होंगी, वीडियो अच्छा बनने लगेगा, और वायरल जाने के बाद जो चैनल ग्रो होने का सिस्टम है, वो सिस्टम मैंने आपको समझाया कि जब वीडियो वायरल जाता है 3-4 दिन तो अच्छी रीच होती है, यानी ऑडियंस अच्छी खासी होती है जिनके पास शॉर्ट्स भेजा जाता है, तो जो वीडियो डालते हैं उनके पास भेजा जाता है। तो 4-5 दिन में डेली एक डालोगे तो 5 बनेगा, 3 डालोगे तो 15 बनेगा। तो 15 में 3-4-5 वीडियो और वायरल जा सकता है, लेकिन 5 डालोगे तो 1-2 जाना मुश्किल होता है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। अब जिनके पास एक्सपीरियंस है भाई, उनके लिए सीधा सा मिनिमम की बात करूं तो भाई मिनिमम एक वीडियो डेली डालो। शॉर्ट्स की बात कर रहा हूं, एक वीडियो डेली डालो, और मैक्सिमम अगर आपको डालना है 2-3 आप आराम से डाल सकते हो, 2-3 डाल सकते हो, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, 2-3 डाल सकते हो। ये भी नहीं 8-10 डाल दो, मतलब 3 या फिर 4 डाल सकते हो, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है 2-3 मैक्स है, लेकिन मिनिमम एक आपको शॉर्ट्स डेली डालना ही पड़ेगा। अब इनको सारी चीजें पता है भाई, आपको मान चलिए एक नया क्रिएटर हो, 5 दिन में 15 वीडियो डालोगे, और ये 5 दिन में मान चलिए 5 ही वीडियो डालेगा, तो भाई इसका 5 वीडियो आपके 15 वीडियो को टक्कर दे देगा आराम से, क्योंकि इसको सारी चीजें पता है कैसे एडिटिंग करना है, कैसे परफेक्ट वीडियो बनाना है। आपको वो चीजें नहीं पता है, तो उसके लिए आपको दिन में कितना वीडियो डालना है पूरे एक्सपीरियंस से बता दिया। और अब मैं आपको एक बोनस चीज बताने वाला हूं, इसलिए मैंने पहले नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था अगर पहले बोल दूंगा ना तो कुछ बहुत बड़े दिमागी आदमी होंगे, वो भगाकर लास्ट वाला देख लेंगे। अब बोनस चीज बताने वाला हूं, जो अभी तक वीडियो देख रहे हो भाई तो आपको उसका फल मिलने वाला है। बोनस चीज बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। आप जब शॉर्ट्स वीडियो पर काम करना स्टार्ट करो, यानी शॉर्ट्स चैनल पर काम करना स्टार्ट करो, बोनस चीज बता रहा हूं, बहुत कमाल की चीज बता रहा हूं। जब शॉर्ट्स चैनल पर काम करना स्टार्ट करो, करने के बाद डेली समझ लो आप 2 डाल रहे हो या फिर 3 वीडियो, जो भी डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, मान लीजिए 2 ही डाल रहे हो, ठीक है, 2 या फिर 3 जो भी डाल रहे हो, जब आपका एक वीडियो वायरल जाए, वायरल जाने का मतलब ये नहीं होता है 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन, वायरल का मतलब होता है अगर आपको ऐसा लगे कि भाई ये 5 लाख व्यूज चला गया, 1 मिलियन व्यूज चला गया, इतना आराम से आ जाते हैं 5 लाख व्यूज चला गया फिर 1 मिलियन व्यूज चला गया, तो आपको क्या करना है, जो आपका टाइम खा रहा है, जो आपका काम है, थोड़ा सा उसको रोक दो भाई, 2-4-10 दिन के लिए रोक दो। आपको क्या करना है, जब आपका एक वीडियो वायरल जा रहा है, मैंने क्या बोला, ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक वायरल जाता है, मिनिमम की अगर मैं बात करूं 3 से 4 दिन तगड़ा यानी व्यूज आपको देता है ये वायरल जाता है, जो वीडियो आपका वायरल जा रहा है, इन 3 से 4 दिनों में, बोनस चीज बता रहा हूं, इन 3 से 4 दिनों में जितना हो सके मैक्सिमम वीडियो डाल दो, जितना हो सके मैक्सिमम वीडियो डाल दो। भाई 5 वीडियो डेली डालने का टाइम है, 6 वीडियो डेली डालने का टाइम है, तो डेली डालो। मतलब कब, 3 से 4 दिन, जब वीडियो एक वायरल जा रहा है, जब एक वीडियो वायरल जा रहा है सीधे समझना, तो मान चलिए 3 से 4 दिन वायरल जा रहा है, तो इन 3-4 दिनों में डेली 6 वीडियो डालो, 6+6 3 दिन की बात करूं तो 18 वीडियो डालोगे, और ये सीना ठोक के गारंटी देता हूं, 18 वीडियो डालोगे या फिर 4-4 करके डालोगे 12 वीडियो डालोगे, भाई ये 10-12 वीडियो 15 वीडियो जो डालोगे 3 दिन के अंदर, उसमें से 3 से 4 वीडियो 100% वायरल चला जाएगा, इसमें से भी
ये चीज गारंटी के साथ बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब एक बार वीडियो वायरल जाता है, 3-4 दिन अच्छा खासा व्यूज आता है, उस टाइम अच्छी रीच होती है, तो जब रीच अच्छी हो उस टाइम जितना मैक्सिमम वीडियो डाल सको धड़ल्ले से डालो, बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाकर धड़ल्ले से डालो, उसमें से भी 2-3 और वायरल चला जाएगा, फिर वो आपका 3-4 दिन मतलब अच्छे से व्यूज पकड़े रहेगा, फिर डालो, फिर एक वायरल करो, ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप करके अपने चैनल को ग्रो किया जाता है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करके और वीडियो वायरल और वीडियो वायरल और वीडियो वायरल ऐसे ऐसे शॉर्ट्स में वायरल किया जाता है। चीजें हैं, टेक्निकल है, एक्सपीरियंस से चीजें आपको बता रहा हूं, वीडियो देख रहे हो तो सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब बहुत सारे शॉर्ट्स क्रिएटर का एक सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि आप सर बोलते हो अगर ऑडियंस रिटेंशन आपका बढ़िया है तो शॉर्ट्स वायरल चला जाता है, ऑडियंस रिटेंशन आपका बढ़िया है तो शॉर्ट्स वायरल चला जाता है, ये आप बोलते हो। लेकिन कई सारे शॉर्ट्स में आपने देखा होगा ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा रहता है, हाई रहता है, लेकिन उसके बाद भी आपका शॉर्ट्स वायरल नहीं जाता है, होता है ना ये प्रॉब्लम। अब ये ऐसा होता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है ये इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करना है, नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक पर बना दूंगा, इस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल मत घबराना, बस अपना प्यारा सा कमेंट कर देना, हां सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हो इतना समझ लो आपके अंदर वो जज्बा वो जुनून है काम करने का, इसलिए अभी तक वीडियो देख रहे हो, विश्वास मेरे पर करके इस वीडियो को देख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। भाई घबराना मत, 2024 में यूट्यूबर बनने की आपकी बारी है, जो वीडियो छोड़कर चले गए हैं ना उनको जाने दो, वो आज मेरा देख रहे हैं कल किसी और का देखेंगे, 2 साल बाद किसी और का देखेंगे वीडियो, उनका कुछ नहीं होने वाला है, आप बनोगे यूट्यूबर क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो और आपको जेन्युइन चीज सीखनी थी। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए कि सर ऑडियंस रिटेंशन हाई होता है तब भी वायरल नहीं जाता, क्या इसके पीछे का सिस्टम होता है, कमेंट कर देना, नेक्स्ट टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा, और जो चीज मैंने आपको सिखाया वो चीज जरूर अप्लाई करना। नया यूट्यूबर हो तो भाई मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 से 4 डालोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, जल्दी वायरल जाने की पॉसिबिलिटी होगी, जल्दी ग्रो करने की आपकी 100% चांस है, तो ये चीज जरूर करना और रिजल्ट आप खुद देखना। अच्छी नॉलेज एक्सपीरियंस से आपको एक सटीक नॉलेज दिया हूं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको आज की ये नॉलेज, कमेंट करके जरूर बताना। दिल से वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। और चैनल पर नए हो, चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना, और विश्वास के साथ इस चैनल पर जुड़ना, आपको वो चीज सिखाऊंगा, वो चीज आपको बताऊंगा जो 2024 में आपको यूट्यूबर बना के छोड़ूंगी, दावा है मेरा, ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। और यहां पर 2 और वीडियो मिल जाएंगे, जाकर देख सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि हमेशा बोलता हूं जितना सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।